आज से 5 अरब साल बाद सूरज फैलकर एक लाल दानव तारे यानी रेड जायंट में बदल जाएगा और पृथ्वी इसके रास्ते में आ सकती है। अगर इंसान तब तक रहते हैं तो क्या हम पृथ्वी को छोड़कर चले जाएंगे या हम इसे हटा लेंगे? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर आप पृथ्वी को हटा लें। तो सूरज के साथ समस्या क्या है? किसी भी दूसरे तारे की तरह इसके भी खत्म होने का एक वक्त है। इस खात्मे की शुरुआत होने पर हमारा सूरज एक रेड जायंट में बदल जाएगा, जिससे इसके पास चक्कर लगाने वाली हर चीज बर्बाद हो जाएगी, जैसे कि पृथ्वी। अगर हम जिंदा बचना चाहते हैं तो सूरज के तबाही मचाने के पहले ही हमें कोई कदम उठाना होगा। पृथ्वी पर रहने वाले 7.5 अरब लोगों को यहां से निकालने के लिए 1 अरब अंतरिक्ष शटल्स की जरूरत होगी। अगर हम हर दिन 1000 शटल्स भी लॉन्च कर पाते हैं तो इस बर्बाद हो रहे ग्रह से सबको निकाल पाने के लिए 2700 सालों का वक्त लगेगा। शायद हम पूरे के पूरे ग्रह को यहां से निकालकर खुद को इस परेशानी से बचा सकते हैं। ये काफी हद तक मुमकिन है। हमें बस पृथ्वी को सही दिशा में एक अच्छा खासा बढ़ावा देना होगा और इसे रास्ते पर रखना होगा, और ऐसा करने के कुछ तरीके हैं। ग्रह को खतरे से बचाने के लिए हमें इसकी वेलोसिटी यानी गति में 1200 मीटर प्रति सेकंड का बदलाव लाना होगा। इसमें आज तक में बने सबसे मजबूत रॉकेट्स जैसे लगभग 7000 रॉकेट्स की जरूरत होगी। पर इस योजना में एक बहुत बड़ी समस्या है। सूरज की बढ़ती लपटों से बचने के लिए हमें भागकर बहुत दूर जाने की जरूरत होगी, कम से कम मंगल के ऑर्बिट तक। पृथ्वी जैसी भारी किसी चीज को ऐसी सुरक्षित जगह तक पहुंचाने के लिए अरबों सालों का वक्त लग सकता है, और हर 1 अरब साल में हम पृथ्वी के लगभग 1/3 भार को प्रोपेलेंट यानी प्रणोदक के रूप में इस्तेमाल कर रहे होंगे। ये ज्यादा कुशल तरीका नहीं है, है ना? पृथ्वी को और ज्यादा कुशलता से हटा पाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का सहारा लेना होगा। रॉकेट्स में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक प्रोपल्शन से अलग इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन में ढेर सारे भार की जरूरत नहीं होती। हम हर 1 अरब साल में पृथ्वी के भार का केवल 2% त्याग कर भी काम चला सकते हैं। आपको कोई अंतर पता भी नहीं चलेगा, लेकिन इस विकल्प के लिए बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत होगी, पृथ्वी पर अभी बनने वाली कुल ऊर्जा से 800 गुना ज्यादा। साथ ही इस काम को करने में थोड़ी इंजीनियरिंग की भी जरूरत होगी, क्योंकि पृथ्वी लगातार घूम रही है। किसी एक जगह पर लगा रॉकेट हमेशा सही दिशा में नहीं होगा। हमें पृथ्वी के इर्द गिर्द रॉकेट्स लगाने होंगे और इन सभी को एक तय वक्त पर फायर करना होगा। इससे पृथ्वी सही रास्ते पर बनी रहेगी। इस ग्रह को खतरे वाली जगह से बाहर ले जाने के लिए अरबों सालों का वक्त लगेगा। अनुमान में किसी भी तरह की गलती का मतलब होगा विलुप्ति। इसका एक बेहतर तरीका है, और इसमें एस्टेरॉइड्स काम आएंगे। अंतरिक्ष इंजीनियर्स एक गुरुत्वीय गुलेल जैसी किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अंतरिक्ष यान का रास्ता ज्यादा प्रोपेलेंट के इस्तेमाल के बिना बदला जा सकता है। जब एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी की तरफ बढ़ता है और उसके गुरुत्वीय खिंचाव को छोड़ता है, तो इसे पृथ्वी की थोड़ी ऑर्बिटल ऊर्जा मिल जाती है। हम इस प्रभाव के इस्तेमाल से अपने ग्रह का रास्ता बदल सकते हैं। सबसे पहले हमें कॉमेट्स यानी धूमकेतुओं और एस्टेरॉइड्स को पृथ्वी के पास से निकालना होगा, जिससे इस प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा एक से दूसरी जगह जा सके। इसके बाद इंजीनियर एस्टेरॉइड्स को बृहस्पति और शनि के पास से निकालेंगे। वहां से ये एस्टेरॉइड्स पृथ्वी पर ऊर्जा वापस लेकर आएंगे। हम इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहेंगे जब तक हम एक सुरक्षित ऑर्बिट तक ना पहुंच जाएं। जाहिर है ये काफी खतरनाक भी होगा। हिसाब में छोटी सी गलती होने से एक विशाल एस्टेरॉइड हमारे ग्रह की तरफ आ सकता है और उस जीवन को तबाह कर सकता है जो आज हमारे सामने है। अब हम चांद को सौर मंडल के पास किसी सफर पर नहीं ले जा रहे होंगे। काफी संभावना है कि हम अपने आकाशीय दोस्त का साथ उसी वक्त छोड़ देंगे जब हम पृथ्वी की ऑर्बिट को सूरज से दूर ले जा रहे होंगे। बड़ा खतरा यह है कि पृथ्वी को हटाने से ग्रहों का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। इससे बुध या शुक्र अस्थिर हो सकते हैं, जिससे वो बर्बादी के रास्ते पर जा सकते हैं, और उन ग्रहों को बचाने के लिए कोई नहीं है। कम से कम हमें तो ऐसे किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। शायद हम किसी और ग्रह को अपने घर की तरह इस्तेमाल करने के लिए रहने लायक बना दें। जानने के लिए देखते रहें क्या हो अगर।